हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। आइए, टॉपिक देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि छोटी जगह में यानी कि घर के बैकयार्ड में थोड़ा सा भी जगह हो तो उसमें हम तोरी की बेल कैसे लगाएं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि छोटी जगह में तोरी की बेल कैसे लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे घर के पीछे में थोड़ी सी जगह खाली है, वहीं तो हमने वहीं एक छोटे से जगह में तोरी की बेल उगाई है और ये बेल दीवार के सहारे छत के ऊपर जा रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जाके इसकी बेलें कितनी घनी हो गई है और इसमें फूल भी आए हुए हैं और बहुत घनी बेल है और बहुत अच्छी भी लग रही है। थोड़ी जगह में हम सब्जी उगा सकते हैं, जिससे कि ये देखिए, ये हमारे पीछे में एक कल है, कल के पास में हमने एक बेल लगाई है जो कि एक डंडे के सहारे छत के ऊपर जा रही है। धीरे 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 उसी के सहारे छत पे जाएगी और छत पे ऊपर जाने के बाद इसकी बेलें बहुत दूर में फैल जाती हैं। ये देखिए, यहाँ से ये फैलने लगी हैं और ये छत के ऊपर आ गए हम, और देखिए कितनी दूर में फैल गई हैं ये बेलें और इसमें फूल भी आ गए हैं। ये देखिए, और इसमें तोरी भी लग गई है। तोरी के फल को देखिए, ये तोरी छोटे छोटे, जिसको कि हम लोग भोजपुरी में नेनुआ भी बोलते हैं। ये है नेनुआ, देखिए इसमें नेनुआ भी लगने लगा है, जितनी छोटी जगह में हमने इसे उगाया है। और ये देखिए दूसरा नेनुआ, और उस पर एक बांस का मचान टाइप, हम लोग बम्बो जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक मचान टाइप हमने बनाया है जिसके नीचे ये नेनुआ झूल रहा है। ऐसे करने से जो नेनुआ का फल जो निकलता है वो सीधा सीधा निकलता है। और ये देखिए एकदम पीछे छोटी जगह, देखिए मोटे मोटे नेनुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे में झूल रहे हैं, ऊपर देखिए फ्रेंड्स इसके फूल लगे हुए हैं और ऊपर कितना घना हो गया है। ये नीचे से तो एक दो बेल ही दिखाई देती है पर ऊपर आके ये बहुत घना हो गया है और इसमें कुछ नेनुआ लग चुके हैं। तो ऐसे हम घर में अपने छत, घर के बैकयार्ड में यानी कि छोटी जगह में ही हम नेनुआ की बेल को आसानी से उगा सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे नेनुआ लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये फूल है नेनुआ के फूल, और ये पत्ते कितने हरे हरे। इसमें वाटरिंग करते रहना चाहिए, छोटी जगह में है तो धूप, छत के ऊपर आने के बाद धूप भी इसमें लग रही है और देखिए नीचे छत पे ही ये ग्रो कर रहा है। और देखिए किस तरह ये फैल रहा है, छत के ऊपर ही फैल रहा है और धीरे धीरे ये पूरा फैल जाता है। और आप इसमें कुछ समय में ही सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर्स, ये नेनुआ के फूल हैं, नेनुआ के फूल, मेल फ्लावर्स जिसे कि हम मेल फ्लावर्स भी कहते हैं। और ये देखिए बर्ड्स, कलियां भी हैं। और ये देखिए फल लगे हुए हैं, ये देखिए नेनुआ लगा हुआ, एक साथ तीन है, ये एक ही जगह पे तीन लगा हुआ है। और ये दो चार दिन में थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। और ये देखिए एक साथ ये नेनुआ। तो गाइस, आपको ये छोटी जगह में नेनुआ लगाने का आइडिया कैसा लगा? अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और इसे शेयर करना भी ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।